hope you all are very 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 good and healthy and beautiful as well. आपने कभी केराटिन ट्रीटमेंट कराया है? कितने खूबसूरत लगते हैं ना बाल केराटिन ट्रीटमेंट करा के, मतलब इतने सॉफ्ट सिल्की स्मूथ आप चाहते हैं. यस, मतलब हाँ लगते तो हैं, लेकिन हटाओ ना चपटे वपटे को, लेकिन कितने खूबसूरत लगते हैं, राइट. लेकिन 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 केराटिन ट्रीटमेंट का खर्चा 3-4-5-6 हज़ार रुपये होता है. सो फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने कभी नहीं कराया है. हम हाउसवाइफ तो ऐसे ही होते हैं, मतलब जब इतना ज़्यादा खर्चा वाली कोई चीज़ देख लेते हैं ना तो हम ना जुगाड़ ढूंढने में लग जाते हैं. तो मैंने भी ढूंढा है एक ऐसा जुगाड़, एक ऐसा मैजिकल हेयर मास्क जिसको यूज़ करके आप घर में ही कर सकते हैं अपने बालों पर केराटिन ट्रीटमेंट, लेकिन जिससे बाल हो जाएंगे सिल्की स्मूथ शाइनी सॉफ्ट, लेकिन चपटे नहीं होंगे. आपके बालों का जो बाउंस है ना वो बना रहेगा. सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसा एक हेयर मास्क जो कि केराटिन ट्रीटमेंट के सारे फायदे, ऑलमोस्ट सारे फायदे आपको देगा, और जो होगा मात्र सिर्फ 10 रुपये में. जी हाँ, ओनली 10 रुपीज, मतलब 50 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपकी बालों की लेंथ अच्छी खासी है तो, बस 15, दैट्स इट. लेकिन आज मैं आपके साथ में एक ऐसा मैजिकल हेयर मास्क लेकर आई हूँ. तो अब उस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, उन इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, अगर ये सब मैं अभी इंट्रो में बताऊँगी ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है. वो कट शॉर्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इंग्रेडिएंट्स के बारे में और उनके फ़ायदे के बारे में हम थ्रू आउट द वीडियो बात करते रहेंगे. बनाएंगे भी, लगाएंगे भी और लाइव डेमो भी आपको लाइव में और डेमो भी आपके सामने ही हो जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो गाइज इस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 ओवर आई बनाना. सिर्फ ओवर आई बनाना ही गाइज आप यूज़ करें यहाँ पे. रीज़न मैं आपको आगे बताऊँगी क्यों आपको ओवर आई बनाना ही यूज़ करना है. मैं यूज़ कर रही हूँ 2 बनाना, साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हनी. ओके, आप एक अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का हनी यहाँ पर यूज़ करें. अप्रॉक्सीमेटली 2 बनाना के साथ मैंने 2 स्पून्स हनी ही इसमें ऐड किया है. ओके, ये सारी चीज़ें मैं एक साथ ब्लेंडर में ही डाले दे रही हूँ बिकॉज इसको यहाँ पर ब्लेंड करके अच्छे से यूज़ करना है एक स्मूथ पेस्ट. और साथ में मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 2 विटामिन E कैप्सूल्स. ओके, बेसिकली आपके पास कैप्सूल हैं तो आप 2 कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं, प्रोपोर्शन आप देख रहे हो. 2 बनाना के साथ 2 विटामिन E कैप्सूल. अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप अप्रॉक्सीमेटली हाफ टी स्पून विटामिन ई ऑयल यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दोनों अपने कैप्सूल को अच्छे से मैंने इसमें स्क्वीज़ कर लिया है, पूरे ऑयल को अच्छी तरह से इसमें निकाल दिया है. कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इसको निकालना, नहीं लगता है एक भी बूंद ना रह जाए, यार वेस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी, सब कुछ अच्छे से निकाल लो, राइट. ओके, तो नेक्स्ट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ पैराशूट का कोकोनट ऑयल. बेसिकली आप जो भी ऑयल ऑयलिंग के लिए यूज़ करते हो ना अपने बालों में, आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो. मैं रेगुलरली कोकोनट ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ तो वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ. मैं 2 बनानास के साथ 2 टेबल स्पून ही अपना कोकोनट ऑयल इसमें मिक्स कर रही हूँ. ओके, तो ये प्रोपोर्शन आप इस हिसाब से देख लेना. अब इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लिया जाएगा और अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ये स्मूथ से टेक्सचर का एक क्रीमी पेस्ट तैयार हो जाएगा. अब बारी है इस पेस्ट को लगाने की. सो इसको अप्लाई करने के लिए मैं अपने बाथरूम में आ गई. यार थोड़ा सा मैसी हो जाता है, मतलब तो इधर उधर मैस फैलाने के बजाय डायरेक्टली बाथरूम में ही चल दिया जाए और वहाँ पर अप्लाई कर लिया जाए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है. ओके, तो बहुत हो गई बातें. देखो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, आप इसको अप्लाई करने से पहले ना बालों को अच्छे से कॉम कर लेना, डिटेंगल कर लेना, बालों को पार्टीशन करके आप एक पार्टीशन को ना अच्छे से टाई कर लेना ताकि मैस कम हो सके और अच्छे से फोकसली आप अच्छे से अप्लाई कर सको मास्क को अपने बालों में. ओके, मैंने यहाँ पे क्लचर की हेल्प से, अपने रेगुलर क्लचर की हेल्प से, या जैसे रेगुलर जो मैं घर पे यूज़ करती हूँ उससे कर लिया. आपका कोई फैंसी आइटम हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लाइक क्लिप्स वगैरह होते हैं ना जैसे पार्लर में यूज़ कर लेते हैं तो आप वो भी यूज़ कर लो.
नहीं तो अपना जुगाड़ तो हमेशा रेडी रहता ही है, ठीक है। सब मैं अपने हाथों की हेल्प से ही बालों को छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लूँगी, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स को स्कैल्प से लेकर रूट टिप तक, ठीक है, मैं अच्छे से इसको अप्लाई करूँगी। मतलब स्कैल्प पे नहीं लगाना है ऐसा कोई रूल नहीं है, इनफैक्ट स्कैल्प पे आप इसको अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी इसके अच्छे बेनिफिट्स ही होंगे, कोई हार्मफुल बेनिफिट्स तो इसका होने वाला है ही नहीं, ओके। बट लेकिन ये है कि आप अच्छी तरह से अप्लाई करें, यू नो फिंगर की हेल्प से जब आप कर रहे हैं तो आप इंश्योर कर सकते हैं ना कि एक एक बाल में ये अच्छे से अप्लाई हो रहा है। आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट ये अगर आप खुद से ना कर पाएँ तो आप किसी और की हेल्प भी ले सकते हैं ये करने के लिए। तो मसाज अच्छे से करते रहें, अप्लाई अच्छे से करते रहें, और जो पहले के स्ट्रैंड्स हैं उनको भी मिक्स करके हाथों हाथ साथ साथ फिंगर की हेल्प से ही ना डीटेंगल करते रहें, कॉम करते रहें, ताकि बाल सीधे होते रहें, टेंगल ना हो। बस यही प्रोसेस करते करते अपने पूरे बालों में अच्छे से इसको अप्लाई कर लीजिए। चलिए साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मैंने कहा था ना आपको ओवर आई बनाना ही यूज़ करना है, इसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊँगी। देखिए नॉर्मली बनाना में ना हम जानते हैं पोटेशियम होता है, विटामिन के होता है, सिलिका होता है, और बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो बहुत अच्छा रहता है, यू नो हमारे स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे हेयर के लिए। लेकिन ओवर आई बनाना में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कंटेंट बढ़ जाता है, इन सब के साथ साथ में शुगर कंटेंट भी बढ़ जाता है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो एट दैट कंडीशन हम क्या हमारे लिए ना वो बनाना हो जाता है वेस्ट, लेकिन वो बनाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होते हैं। ओवर आई बनाना के जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, जो उनमें न्यूट्रिशनल कंटेंट है, लाइक विटामिन के भर भर के होता है, पोटेशियम भर भर के होता है, सिलिका भर भर के होता है, और ये सब हमारे बालों की, हमारी स्कैल्प की बालों को थिकर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा रहता है, बालों के टेक्सचर को बूस्ट करने के लिए, शाइनी सिल्की बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है, इवन जो हमारी स्कैल्प होती है ना उसको हील करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपकी फ्लेकी है या आपको डैंड्रफ टाइप्स हो रखा है, कुछ भी ड्राई हो रखी है, उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप ओवर आई बनाना ही यहाँ पर यूज़ करें, आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब एक तरफ का पूरा हो गया है, सेम प्रोसेस के साथ दूसरी तरफ अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे बालों में ना, बार बार बाल आगे आ जा रहे थे, तो मैंने बालों को ना एक और पार्टीशन में यहाँ पर डिवाइड करने का सोच लिया, और मैंने इस तरीके से आप देखो ऊपर की तरफ से ना एक पार्टीशन और डिवाइड कर लिया, ठीक है। एक स्टेप मतलब मैं आपको बातों बातों में भूल गई बताना, मतलब फिंगर की हेल्प से ना जब ये पूरा अप्लाई हो जाए, फिंगर की हेल्प से ना पूरा कॉम्ब करते रहना अपने बालों को, ताकि पूरा डीटेंगल हो जाए, बाल स्ट्रेट हो जाए, तभी ना बाल स्ट्रेट रहेंगे तो आपको स्ट्रेटनिंग जैसा स्मूथनिंग जैसा इफेक्ट, कैरेटिन जैसा इफेक्ट बढ़िया वाला देने वाले हैं। अब इस तरह से देखो पूरा का पूरा मैंने अपने बालों में अप्लाई कर लिया, पता है यार ये दो बनाना का भी ना मेरे बालों में कम पड़ गया था, तो ये एक तरफ के बाल आप देख रहे हो ना थोड़े मोटे मोटे से लग रहे हैं, एक तरफ के पतले पतले से, क्योंकि कम रह गया था ना इसलिए। खैर आगे से ना मैं कम से कम तीन का बनाऊँगी, ओके। हाँ ये बिल्कुल मेरा फर्स्ट टाइम था यार, मैंने फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई किया, ये रिज़ल्ट आपने जो देखा है ना वीडियो के फर्स्ट में ही, ये बिल्कुल फर्स्ट टाइम का रिज़ल्ट है मेरा। ओके देखो मैंने इसको वॉश कर लिया है, 45 मिनट्स मैंने इसको रखा, 45 मिनट्स में बाल मेरे एकदम कड़क कड़क से हो गए थे। 45 मिनट्स के बाद मैंने इसको डव शैम्पू और कंडीशनर के साथ वॉश किया है। आप किसी भी माइल्ड शैम्पू कंडीशनर के साथ वॉश कर लो, मतलब वॉश करने के बाद देखो मैंने अभी कॉम नहीं किया है, बालों को सुखा या नहीं है, बालों में जो शाइन है, स्मूथनेस है, मतलब जो सॉफ्टनेस है ना वो कैमरा पे क्लियरली दिखाई दे रही है, मतलब मैं तो उसको फील कर ही पा रही थी लेकिन वो कैमरा पे भी बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, मतलब एकदम डीटेंगल बाल यार, मतलब कॉम करने की भी नीड नहीं है, इतने सॉफ्ट सिल्की हो गए बाल। मुझे लगता है कि वीडियो आपको काफी अच्छा और यूजफुल लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी करना, अगर आपको अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप शेयर भी करना, और हाँ एक चीज बिल्कुल ही फ्री होता है जो कि होता है सब्सक्राइब करना। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार हैं, या यार बार बार आ रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों को ये याद दिला दूं, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।